हमारे YouTube चैनल पर काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके मिसकैरेज कई बार हो चुके हैं और वो ये जानना चाहती हैं कि मिसकैरेज के बाद हमें प्रेगनेंसी कब कंसीव करनी चाहिए। आपका जो सवाल है वो बेस्ट सवाल है और आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए, बिकॉज आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट हैं, वो सारे क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, कहीं भी वीडियो को कट और क्रॉप मत करना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर भी कर सकते हैं, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें भविष्य में तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके फ़ोन पर देखने के लिए मिल जाए। सो गाइस, पहला जो आपका सवाल है कि प्रेगनेंसी कब कंसीव होती है, तो बेसिक आपको बता दें कि प्रेगनेंसी को कंसीव करने में आपको कम से कम आपको 60 से 90 दिन का टाइम लेना चाहिए। इस बीच में क्या होता है, हम इस बीच में प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं कर सकते, काफ़ी सारी लेडीज़ कहती हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि जब आपका मिसकैरेज होता है और उसके 3 महीने में कम से कम उस मिसकैरेज की रिकवरी होती है बॉडी में, और कुछ महिलाओं का ऐसा होता है कि लास्ट आने वाले 60 दिनों तक महिला का एग भी अच्छे से नहीं बनता है। तो अगर ऐसे में आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम तो छोड़िए, हो सकता है कि ना ही हो प्रेगनेंसी, अगर हो भी जाती है तो बेबी में कोई इशू हो सकता है। तो कम से कम 90 दिन यानी 3 महीने का आपको वेट करना होगा, तब आप उसके बाद प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती हैं, तो आपको अच्छे से और जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अब काफ़ी सारे लेडीज़ के और भी बहुत सारे सवाल हैं तो वो भी देंगे इसी वीडियो में। लेकिन गाइस, अगर आपकी शादी को लंबा टाइम हो चुका है, मेडिसिन बहुत खा रही हैं, मिसकैरेज बराबर होते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं लग रहा कहीं से भी, तो क्या है कि हमारे पास में दादी माँ रहती हैं जो कि देसी जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करती हैं। 30 दिन की मेडिसिन होती है, 30 दिन में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। आप इस दवाई को मंगवाने के लिए अपना फुल एड्रेस दे सकते हैं, फ़ोन नंबर के साथ स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। तो गाइस, बेसिक चीज़ें यही थी, इससे आगे कुछ भी नहीं है। बाकी आपको कोई भी सवाल है मिसकैरेज से लेकर या फिर मिसकैरेज के लिए मेडिसिन चाहिए, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एड्रेस भेजना है, ओके। तो आपको ये वीडियो गाइस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन के बेल को भी ऑल पर कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें भविष्य में तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके फ़ोन पर मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू टू ऑल, टेक केयर।